सर्दियाँ आ गई हैं, बढ़िया बढ़िया बैगन आ गए हैं, बड़े बड़े से बैगन जिससे बनता है भरता। रेस्टोरेंट में खाया होगा, ढाबे में खाया होगा, घर में भी कई बार बनाया होगा। आज बनाएंगे मसाला किचन में बैगन का भरता एक तंदूरी रोटी के साथ। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। बैगन का भरता आपने कई टाइप का खाया होगा, ये आजकल सबका फेवरेट हो गया है। 5-स्टार होटल में भी ये मेन्यू कार्ड में है। बहुत ही टेस्टी बनता है और घर के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग इसे भूनते हैं और कई लोग भूनने के डर से या अंदर कीड़ा ना निकले इसके लिए बॉयल कर देते हैं। ना तो मैं आज भूनूंगी इसे, ना ही मैं बॉयल करूंगी, मेरा तरीका बिल्कुल अलग ही होगा। और ये देखिए बिल्कुल लाइट सा बैगन है, ताज़ा बैगन है, कलर कोई भी हो चलेगा। बैगन अच्छा है ये हमें पता चलता है उसके हल्केपन पे, हल्का होना चाहिए बैगन। अब इसके लिए मुझे साथ में चाहिए क्या वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिए टमाटर, हरी प्याज, सूखा लहसुन, अदरक, अदरक काफ़ी सारा डालिए, हरी मिर्च और प्याज। अब पहले हम करेंगे क्या, बैगन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसे साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब चारों तरफ मैं लगाऊंगी ऑयल। अब इस बैगन को क्योंकि बड़ा है तो मैं चार पार्ट में काट लूंगी। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप। प्रेशर कुकर कोई भी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, कोई भी हो। अब इसमें हम बैगन रखेंगे, जो छिलका वाला साइड है वो नीचे रखेंगे। बस इस तरीके से हमें बैगन रखना है कि नीचे वाला स्किन जो है नीचे उसी पर ही आँच मिले। ये बहुत अलग तरीका है, इससे आपका बैगन बिल्कुल भुना सा हो जाएगा और सॉफ्ट भी बहुत अंदर तक हो जाएगा। मैं अक्सर घर में इसी तरीके से ही बनाती हूँ, मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ देखिए जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है उसे आप थोड़ा पानी से धो लीजिए और 2-3 छींटे पानी के इसमें डालिए और फटाफट से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लीजिए, उसकी लिड लगा लीजिए और इसे 1 से 2 विसल आने दीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन होगा ऐसे कैसे करें, नीचे बैगन जल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बैगन की सिर्फ स्किन जलेगी, बैगन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा हो तो 1-2 चम्मच पानी और डाल सकते हैं, वही पानी हम यूज़ भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, बॉयल होने से भी बच गया और ये हमने पकाने से भी बच गया। यहाँ पर देखिए बैगन को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, जब तक उसमें विसिल बजे तब तक जो साथ में गेहूं के आटे से हम नान बनाने वाले हैं ना उसका आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा कम से कम हमें उस आटे को रखना होगा। नान में बनाऊंगी आज गेहूं के आटे से, बिना ईस्ट के, बिना तंदूर के। यहाँ मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, दही, थोड़ी चीनी, नमक और थोड़ी सी बेकिंग सोडा। आप चाहें तो पूरा ही गेहूं के आटे से बनाइए, चाहें तो मैदे से बना सकते हैं। और मुझे कोई तंदूर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ लिया मैंने पानी और थोड़ी सी कलौंजी जिसे अनियन सीड्स कहते हैं, सौंफ अगर आप डालना चाहें तो, धनिया की पत्तियों से सजाएंगे। बाद के लिए आपको बटर, घी कुछ भी चाहिए या रूखा ही खा लीजिए। यहाँ मैंने लिया एक बड़ा सा बाउल जिसमें मैंने लिया है गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। यहाँ लिया मैंने मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, पिसी चीनी थोड़ी सी, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप बटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं कम से कम 3 चम्मच डाल दूंगी दही। पहले तो हमें इसी से ही मिक्स करना है, फिर जितनी ज़रूरत होगी हम पानी लेंगे। अभी ठंड है तो थोड़ा सा गुनगुना ले सकते हैं, वैसे नॉर्मल भी चलेगा। इसे सॉफ्ट सा आटा गूंथ लीजिए। करीब 1/2 कप पानी मुझे लगा है। अब आटे को गूंद के हमने एक तरफ रख लिया है, 1/2 घंटे बाद हम इसे बनाएंगे, जब तक हम लहसुन भून लेते हैं इस भरते के लिए। चलिए अब जो बाकी सारा सामान है इसे हम बारीक काट लेते हैं।
हरा लहसुन आपकी तरफ मिले तो ज़रूर डालिए, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सूखा लहसुन तो डाल ही रहे हैं। अब चलिए एक दूसरी ट्रिक लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैंने प्रेशर कुकर को दूसरे गैस पर रख दिया है, वहाँ पर विसिल बजती रहेंगी। यहाँ मैंने लहसुन को एक फोक के अंदर फंसा दिया है और मैंने डायरेक्ट इसे फ्लेम पर पकाना शुरू किया है। इससे आपकी मेहनत तो बचेगी पर ये लहसुन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये हमने अच्छे से अंगीठी में रोस्ट किया हुआ है। जैसे जैसे आप गैस पर रखते रहेंगे वो लहसुन की फांके खुलती रहेंगी, उसकी स्किन जलती रहेगी। मेरे कहने पर एक बार ये बैगन का भरता इस तरीके से जरूर बनाइए। लहसुन को लाते हैं हम चॉपिंग बोर्ड पर, ये देखिए ये कमाल, देखिए लहसुन की फांके बिल्कुल अलग अलग और छिलके उसी के अंदर ही, ये देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे आपकी लहसुन बिल्कुल अलग होती चली जाएगी, ये देखिए और सारी भुनी हुई है लहसुन, ये छिलके उसी में ही रह गए। इसी तरीके से लहसुन की जो गांठ है उसी में सारे छिलके रह जाएंगे और जो कलियां हैं वो बाहर निकलती चली जाएंगे, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है और ये लहसुन बहुत ही फ्लेवरफुल है। ये देखिए ये सारी जो लहसुन है इससे हम फाइन चॉप कर लेंगे, बस इससे हाथ थोड़े काले ज़रूर होते हैं पर बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक है। बैगन का प्रेशर रिलीज हो गया है, उसका मैंने लेट खोल दिया है। अब देखिए ऊपर से जो बैगन दिख रहे हैं सुपर सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह, और पीछे इसको देखिए बिल्कुल जो हम पकाते हुए जला देते हैं ना बैगन को, बिल्कुल वैसा ही। थोड़ा सा जो पानी है जो बैगन ने रिलीज़ किया है, थोड़ा सा ऑयल भी है, इसे हम यूज़ करेंगे सब्जी में। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, चलते हैं इसका मसाला भूनने। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली है जिसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसको आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो असली मज़ा उसी में ही आएगा, अगर नहीं खाते हैं तो अलग बात है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल से एकदम आंखें न जलें तो उसके लिए थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दीजिए, जिससे ये तेल काफ़ी हल्का हो जाएगा, कलर भी लाइट हो जाएगा, आपकी आंखें भी नहीं जलेंगी। लेकिन हाँ बाद में जब सब्ज़ी में नमक डालें तो ये याद ज़रूर रखें, वरना बनी बनाई सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। सरसों के तेल में आप बैंगन का भरता जरूर बना के देखिए, इसी तरीके से लहसुन को पकाइए, बहुत पसंद आएगा। अब ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालिए। इसे मैं बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालूंगी, जो नॉर्मल हमारे घर में होते हैं 4 मसाले उसी से ही बनाऊँगी। ये देखिए लहसुन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, वही लहसुन है वो मैं डाल रही हूँ। अब इसी लहसुन में बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। बैगन के भरते बनाना मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, पर इस बार मैंने वो तरीका आपको बताया जो नॉर्मल हम घर में बनाते हैं। ये बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें अब हम डालेंगे अदरक खूब सारी ग्रेट की हुई और हरी मिर्च, इन्हें भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ लिए मैंने हरा लहसुन और टमाटर, क्योंकि तेल के अंदर हमने नमक डाला था तो इन सबको हम मिक्स करके थोड़ा ढक के पका देंगे। ये हरे लहसुन का सफ़ेद वाला ऊपर वाला पार्ट डाल रही हूँ। हरा लहसुन और हरी प्याज में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, हरी प्याज मोटी होती है, हरी लहसुन थोड़ी पतली होती है, और लहसुन जो होती है उसमें काफ़ी फ्लेवर होता है गार्लिक का। अब हम इसे ढककर थोड़ा सा पका लेंगे। अब इस बैगन को निकाल लेते हैं क्योंकि हमें छिलके हटाने हैं। ये देखिए कितने आराम से इसके छिलके हट रहे हैं, ऐसा करने से इसमें उबले हुए का टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल वही पके हुए का टेस्ट आता है। ये देखिए बैगन को मैंने अलग कर दिया है, छिलकों को अलग कर दिया है, और ये सॉफ्ट भी बहुत है बैगन। इन मसालों को खोल के देखते हैं, थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच या उससे थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा नमक हमने पहले भी डाला था।
इससे ज़्यादा हमें कोई मसाले नहीं डालने हैं, ना गरम मसाला ना भुना जीरा, बस इन्हीं मसालों से ये बैंगन का भरता हमें भूनना है। थोड़ी देर हमें ढककर और पकाना है। यहाँ देखिए ये मैं कौन सा पानी डाल रही हूँ, ये ब्राउन सा पानी, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, ये वही पानी है जो बैंगन के साइड से हमें निकला था। तो इसमें बड़ा स्वाद है, ये पानी हम इसके अंदर डाल रहे हैं जिससे इस बैंगन के भरते का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। अब पानी को मिक्स करने के बाद जो ये बैंगन है इसे भी हम डाल देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे थोड़ा भूनना है, कूटना है बस। थोड़ी थोड़ी देर आपको गैस पर सिम पे रखना है, कभी ढक कर कभी खुला। यहाँ देखिए मुझे थोड़े से मोटे मोटे पार्ट लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, जिससे हम रोटी सेकते हैं ना उससे, या पाव भाजी मैशर से, या किसी से भी आप इसे थोड़ा घोट सकते हैं। अब ये बिल्कुल एक सा हो गया है। अब 2 या 3 मिनट इसे ढककर बस आखिर में पका लेते हैं। लीजिए परफेक्ट, बैंगन का भरता बन चुका है, हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला इसके अंदर, और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। अब देखिए बैंगन को हमने सर्व कर लिया, अब हम नान को बनाना शुरू कर देते हैं। इसे हमें थोड़ा सा मसलना होगा, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं हम। अब हम 4 से 5 इसकी लोइयां बना लेते हैं, आप चाहें तो छोटे बनाएं बड़े बनाएं, और नॉर्मल सा तवा जो आयरन का तवा होता है उसे हम गरम कर लेते हैं। और यहाँ लिए जो सौंफ और कलौंजी इसे आप एक तरफ रख लीजिए, अगर डालना चाहें तो इसे यूज़ कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है ये नान बनाने का, आप कभी भी बना सकते हैं, बस इसे बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। ये है कलौंजी और सौंफ, इसे मैं एक बार इसके ऊपर लगा लेती हूँ हरे धनिए की पत्तियों के साथ, और हल्का सा बेल लेती हूँ बस, जैसे इस पर चिपक जाए। इसी तरीके से मैं नान बेल के रखती जा रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा मैदा यूज़ कर रही हूँ इसके साथ, आप चाहें तो पूरा गेहूं के आटे के साथ बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तवा अच्छे से गर्म है, और आप नान को हाथ में रखिए, उल्टी तरफ आप अच्छे से पानी लगाइए, और इसे थोड़ा सा हाथों से दबा दीजिए। वो शॉट आप शायद नहीं देख पाए, हमेशा उसे कपड़े से या हाथों से थोड़ा सा चिपका दीजिएगा। अब तवे को करिए उल्टा, तवा गर्म होना चाहिए और नान हमने जो रखा वो गीला होना चाहिए, तो तवे पर चिपक सा जाता है। और हमेशा जो तवा लेंगे आप हैंडल वाला लेंगे, ये आप नॉनस्टिक पे कभी ट्राई नहीं करें, आपका तवा खराब हो सकता है। लीजिए परफेक्ट नान तैयार हो गया, वो भी गेहूं के आटे से, बिल्कुल ढाबा स्टाइल नान तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, दोनों तरफ ये पक चुका है। अब चाहे तो आप इस पे बटर लगाएं, घी लगाएं, या बिना घी के भी खा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा नान भी हम लगा लेते हैं। बस ये आपको याद रखना है, तवा प्रॉपर गर्म होना चाहिए। ये देखिए ये दूसरा नान भी तैयार है। तो लीजिए बैंगन के भरते के साथ इस नान को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।